हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 22 जून 2019 है और आज निफ्टी पे अपडेट लेके आया था नेक्स्ट वीक के लिए। 11724 पे निफ्टी क्लोज कर रहा है, एक रेंज में है, रेंज में क्लोज अप डाउन कर रहा है। बेरिश सिग्नल है क्योंकि इसमें डिक्लाइन परसेंटेज ज़्यादा है, 39 डिक्लाइन है, 10 एडवांसेज है। और अगर डाटा को भी चेक कर लें तो FII ने अभी तक टोटल कैश में 1600 करोड़ की बिकवाली की है, 1900 करोड़ की DII ने बाइंग की है। फ्यूचर ऑप्शन में देखेंगे तो फ्यूचर में 305 करोड़ की बाइंग की है, जबकि इंडेक्स में 19725 करोड़ की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड में देखें तो इक्विटी में 3200 करोड़ की बाइंग की है, जबकि 40000 करोड़ की यहां पे इन्होंने डेप्ट में बाइंग की है। और FII ने इक्विटी में 118 करोड़ की सेल की है, डेप्ट में 8000 करोड़ की बाइंग की है। तो ओवरऑल कोई संकेत बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीक से ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा दिख रहा है। जब आपको FII में यहाँ पे बाइंग नेट में दिखने लगे तो शायद सिग्नल आपको प्लस की ओर जाते हुए दिखेगा, ऊपर नीचे करके एक रेंज को मेंटेन करेगा। ऊपर ये 11800 अभी तोड़ते हुए नहीं दिख रहा है, 11800 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस इसको देखने को मिल रहा है और 11600 पे आके सपोर्ट ले लेता है। तो ये दोनों लेवल है जहाँ पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट है और ये सपोर्ट पे काम भी कर रहा है। और मंथली पे देखें तो 11372 का इसका सपोर्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 11943 पे ओपन हुआ था, पूरा महीना खत्म होने को आ रहा है, 11724 के आसपास वहीं पे रेंज कर रहा है, 200 पॉइंट पे आसपास रेंज कर रहा है। तो हो सकता है कि एक्सपायरी आपको ऐसे ही आपको एक्सपायरी खत्म होते हुए दिख जाए। अगर इसके वीकली बेसिस को देखेंगे, अगर इसको वहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वॉल्यूम के साथ हर बार वॉल्यूम जो है यहाँ पे एक चीज़ है जो कंसर्न है, वॉल्यूम में जरूर कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंट है, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ते हुए वॉल्यूम को क्रॉस कर रहा है, मीन्स वॉल्यूम के साथ प्राइस का रिडक्शन हो रहा है। ये चीज़ें ध्यान देने जैसी चीज़ है। हो सकता है कि पुट में कोई ज़्यादा पोजीशन बना रहे हो इंडेक्स में और वहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है। तो 11765 यहाँ पे अगर 5 डेज और 15 डेज का अगर वीकली डेमा पे देखा जाए तो आपको 11765 पे आता है 5 डेज का, और 15 डेज पे है 11592 का, मीन्स 11600 और 11700 यही रेंज में हो सकता है। आपको आगे भी रेंज में रहते हुए 11600 से 11800 के रेंज में निफ्टी नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग हो सकता है टूट जाए। जिधर देगा उधर से 200 पॉइंट आपको 11600 तोड़ता है, 11400-300 तक आएगा, और 11800 तोड़ता है तो 11950 तक जाते हुए, 12000 तक जाते हुए दिखेगा। ये अपर तारा है लेकिन ऐसा मुझे दिखता नहीं है, लगता है कि यहाँ पे। और आपको अगर इसके डेरिवेटिव्स को देखें तो 11724 जो 27 जून का एक्सपायरी है, एट द मनी पे 11700 पे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस रिडक्शन हो रहा है और हर लेवल पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है। इनफैक्ट 11800 पे ही 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर पुट की ओर देखें तो 40-70 1 करोड़ 20 लाख का, उसमें से सिर्फ 30 लाख का 40 लाख का सिर्फ आपको लास्ट फ्राइडे को बन गया। तो 30% पोर्शन पुट की ओर बना है, कॉल की ओर बना, शॉर्ट किया हुआ पोजीशन है, कॉल राइटिंग की हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऊपर जाना इनको रेसिस्टेंस है। नीचे की ओर देखिए तो 11650 पे बन रहा है, ऊपर और नीचे दोनों साइड अनवाइंड हो रहा है। तो नीचे 11650 लगता है नीचे टच करेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह पोजीशन अनवाइंड हो रही है, तो लग रहा है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, जाएगा तो एक स्पाइक जाके आ जाएगा। तो 11650 से 11800 का एक रेंज दिखता है, 850-800, ये 200 पॉइंट में हो सकता है इस महीने की आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, इसी दोनों के बीच में। तो अगले वीक में अभी भी चाहे कोई तो 11650 का जो आपको पुट लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 39.95, इस पे को ट्रेड पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। तो निफ्टी पे एक बेरिश सिग्नल है, पहला भी है, अभी तक मैंने कभी भी नहीं बताया। और जब तक यहाँ पे कहीं FII पे हमको बाइंग पोजीशन वापस नहीं देखने को मिलेगी, तब तक मैं नहीं समझ रहा हूँ कि यहाँ से कोई सिग्नल आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। या तो इससे 3 गुना 4 गुना पर DII की बाइंग चालू हो जाए, ये 1600 करोड़ है या 1900 करोड़ को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं डाटा जब तक नहीं रिफ्लेक्ट होता है तब तक इसमें बुलिश सिग्नल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट का टास्क है। और मुझे लगता है यहाँ पे भी आप देखेंगे 11592 जो 15 दिन का डेमा है इसका, इसको यहाँ सपोर्ट मिल जाता है वीकली, और ऊपर 11765
की ओर दिखा रहा 5 दिन का एवरेज, इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। वही चीज आपको यहाँ से दिख रहा है डेरिवेटिव में दिख रहा है 11650 नीचे की ओर, 11650 नीचे की ओर दिख रहा है आपको, और ऊपर की ओर देखेंगे 11800-11850। तो इससे दायरा ऊपर नीचे से नहीं दिख रहा है, नहीं देखने को मिल सकता है। और एक बार अगर इंडेक्स भी देख लें तो इंडेक्स में भी देखेंगे बहुत अच्छा नहीं देखने को मिल रहा, पीएसयू बैंक में थोड़ी सी अप ट्रेंड है, अदरवाइज इंडेक्स भी आपको थोड़ा सा निगेटिव भी देते हो। और विक्स जो दिख रहा है आपको, अगर विक्स को देख लें तो विक्स कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव नहीं निगेटिव की तरफ ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बेरिश सिग्नल मेरे को दिखता है। और एक बार इंडिया विक्स को भी देखें तो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न है टॉप की ओर, हैमर पैटर्न की ओर दिख रहा है। तो एक जो कंटिन्यू ये फॉल आपको डेली बेसिस पे देखने को मिला था, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक न्यूट्रल इस पैटर्न पे ये खड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं इसको तोड़ेगा, और जिस ओर भी तोड़ेगा उस ओर आपको आपको गेन या लॉस देखने को मिल सकता है। तो अभी जो ट्रेंड पे ये यहाँ से कुछ लगभग इस दिन से 27.5 से एक न्यूट्रल ट्रेंड में होकर के ये नीचे की ओर एक ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे बुलिश हैमर का ट्रेंड है। और ये अगर ऊपर की ओर जाता है, जैसा दिख रहा है कि हो सकता है ये ऊपर की ओर जाए क्योंकि हैमर पैटर्न है, तो ये विक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे की ओर आता हुआ आपको दिख सकता है। तो अभी जो यहाँ पे जो सिग्नल है इससे मुझे दिखता है कि शायद एक रिवर्सल आपको विक्स में आते हुए दिखेगा। इंडिया विक्स जब भी रिवर्स करेगा तो उसका अपोजिट आपको देखने को मिल सकता है। और आरएसआई में भी देखेंगे तो इसका विक्स के आरएसआई को एक स्ट्रांगनेस थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है कि बेरिश सिग्नल है लेकिन एक कांस्टेंट दायरे में है, इस दायरे को जिस और तोड़ देगा तो उसके अपोजिट साइड आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। बहुत गिरा हुआ है तो हो सकता है एक बार ये ऊपर की ओर लेके जाए, और जब ऊपर लेगा तो मार्केट आपको नीचे की ओर आता हुआ दिख सकता है। तो जो अपना व्यू है आज जो सीएम 22 तारीख को जो 21 को क्लोज हुआ है मार्केट, वो 11724 पे हुआ, 107 पॉइंट निगेटिव के साथ हुआ है, और कहीं ना कहीं बेरिश सिग्नल नेक्स्ट वीक में आते हुए आपको दिख सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।